तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS Word में बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बॉर्डर क्रिएट किया है, कुछ इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं। ये देखिए, ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये ओपन हो रहा है। मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, न्यू डॉक्यूमेंट। और ये देखिए, मेरे पास है एक सिंपल सिंगल पेज, एटलीस्ट मैं दो पेज ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं पेज को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये इंसर्ट ब्लैंक पेज। ये देखिए, मैंने दो पेज को ऐड कर लिया है। तो अब हम जानेंगे कि बॉर्डर कैसे क्रिएट करें। उसके लिए आपको यहाँ जिस पर आपको बॉर्डर चाहिए वहाँ पर कर्सर रखिए, और यहाँ पे एरो है, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ होम इंसर्ट में आपको जाना है, और इंसर्ट में आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर है, आपको इस पर क्लिक करना है, और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। आपको इधर यहाँ कॉर्नर से ऐसा स्लाइड करके खींचना है, ये देखिए इस तरह। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं आप जैसा चाहें। यहाँ पे जो भी लिखा है आप उसे हटा दीजिए, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, इधर राइट साइड में जो है इसको राइट, आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा इधर, ये परफेक्ट लग रहा है इस तरह। अगर आप इसको कॉपी करना चाहें, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉपी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए कॉपी हो गया है। अब जिस पेज पे मुझे चाहिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और ये देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस में लगा सकते हैं।